हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज का जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ है 14 अक्टूबर का, फर्स्ट शिफ्ट का। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन मिले हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और पेपर का एनालिसिस करेंगे जो कि आज पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। तो NSSO का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। अगला, हु बिल्ट जामा मस्जिद सिचुएटेड इन दिल्ली। तो दोस्तों, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था जो दिल्ली में है? तो वो करवाया था शाहजहां ने। अगला, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो लियाकत अली खान। अगला, व्हाट इज आउटर सेल ऑफ कोकोनट इज कॉल्ड एज। तो आउटर जो सेल होता है कोकोनट का, तो उसे किस नाम से जानते हैं? तो एक्सोकार्प। अगला है, हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इंग्लिश से बात करें दोस्तों, ईडियम्स आया था थ्रम्प कार्ड। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आया था इन्फेंटिसाइड। और दोस्तों, एक रीजनिंग से क्वेश्चन मिला जो कि आज पूछा गया था कि इफ 6×4×1 इजकल टू 33, 4×2×2 इजकल टू 24, तो 3×2×1 का मान क्या होगा? अब दोस्तों, हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कितना कितना पूछा गया, क्या क्या आया। तो दोस्तों, हम लोग जो आज का जो एसएससी एमटीएस का जो पेपर हुआ, स्लॉट वन का पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 25 आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से 25 और जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 100 होते हैं। मार्क्स इसके होते हैं 37.5 और टोटल 90 मिनट का दोस्तों मिलता है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या पूछा गया। तो दोस्तों, हम लोग बात करें जनरल इंटेलिजेंस की, मतलब रीजनिंग की। तो रीजनिंग का जो पेपर आया था इजी लेवल का आया था, जिसमें से गुड अटैम्प्ट में चले जाते हैं 17-21 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से मॉडरेट से क्वेश्चन, और गुड अटैम्प्ट में चले जाते हैं 14-15 क्वेश्चन। अब बात करते हैं दोस्तों, हम लोग मैथ से, तो मॉडरेट पेपर था, तो इसमें चले जाते हैं 15-17 क्वेश्चन अटैम्प्ट में। इंग्लिश लैंग्वेज से इजी पेपर था, जो कि 19-22 क्वेश्चन चले जाते हैं गुड अटैम्प्ट में, और 64-71 क्वेश्चन आपने अगर किए तो गुड अटैम्प्ट में चले जाते हैं। इंग्लिश की दोस्तों हम लोग बात करें, तो इंग्लिश में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, और एरर डिटेक्शन 3-4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। ईडियम्स एंड फ्रेजेस से 2-3 क्वेश्चन जो कि ईजी थे। पैराजम्बल से 3 क्वेश्चन जो कि ईजी और मॉडरेट थे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स 6 थे जो कि ईजी थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे 1 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट था। स्पेलिंग चेक से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे, और क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन और ईजी थे। टोटल पेपर ईजी था दोस्तों। मैथ से बात करते हैं, तो SICI और प्रॉफिट एंड लॉस से 5-6 क्वेश्चन थे जो कि ईजी मॉडरेट थे। मेंसुरेशन से 4-5 क्वेश्चन जो कि डिफिकल्ट थे। ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आए थे। टाइम एंड वर्क से 4-5 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन था जो कि मॉडरेट था। स्पीड एंड डिस्टेंस से 3-4 क्वेश्चन जो कि ईजी मॉडरेट था। एवरेज एंड परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। DI से 5 क्वेश्चन थे जो कि ईजी और मॉडरेट थे। तो पेपर टोटल था मॉडरेट था। अब रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग से 2 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। मैट्रिक से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी थे। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन जो कि ईजी मॉडरेट थे। नॉर्मल वर्बल इमेजेस से 3-4 क्वेश्चन जो कि ईजी थे। ऑड वन आउट से 2 क्वेश्चन थे जो कि ईजी मॉडरेट थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 1 क्वेश्चन जो कि ईजी था। एनालॉजी से 5-6 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन जो कि ईजी मॉडरेट थे। मिसलेनियस से 9 क्वेश्चन जो कि ईजी मॉडरेट थे। टोटल पेपर आया था सरल आया था ईजी। अब जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं, तो हिस्ट्री से 5-6 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन ईजी मॉडरेट थे। पॉलिटी से 3 क्वेश्चन और से डिफिकल्ट थे। इकोनॉमी से 2-3 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। साइंस से 7-8 क्वेश्चन थे जो कि ईजी मॉडरेट थे। करंट अफेयर से 2-3 क्वेश्चन जो कि मॉडरेट थे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए।